नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। लाडली बहन योजना के लिए उम्र सीमा 65 वर्ष, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष दानवे निलंबित। दानवे का निलंबन एक तरफा फैसला और साजिश, उद्धव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लाडली बहन योजना के लिए उम्र सीमा 65 वर्ष। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार की महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना में आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन महिलाओं के परिवार के पास सरकारी भूखंड है उनके लिए शर्त हटा दी गई है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए राज्य के बजट में घोषित इस योजना का उद्देश्य 21 से 60 आयु वर्ग की विवाहित, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक सहायता देना है। शिंदे ने कहा कि लाभार्थियों की आयु सीमा 60 वर्ष के बजाय 65 वर्ष कर दी गई है, जबकि जिन महिलाओं के परिवार के पास कृषि भूमि है उनके लिए पात्रता मानदंड को समाप्त कर दिया गया है। शिंदे ने विपक्षी दलों पर सरकार के खिलाफ झूठी बातें फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आप हर समय लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। उन्होंने लाभार्थी महिलाओं से कहा कि वे योजना के वास्ते पंजीकरण कराने के लिए अधिकारियों को रिश्वत ना दें। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर कोई पैसे मांगता है तो शिकायत दर्ज कराए, संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया जाएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष दानवे निलंबित। विधान परिषद ने सदन में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष और शिवसेना नेता अंबादास दानवे को 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। दानवे पर सोमवार शाम विधान अंबादास दानवे परिषद में चर्चा के दौरान भाजपा विधायक प्रसाद लाड के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। लाड ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की हिंदू नहीं संबंधी टिप्पणी की निंदा करते हुए प्रस्ताव लाने की मांग की थी, जिस पर शिवसेना नेता ने तीखी प्रतिक्रिया की थी। घटना के बाद विधान परिषद की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि भाजपा के सदस्य दानवे के खिलाफ कार्यवाही की मांग पर अड़े रहे। संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मंगलवार को उन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे बहुमत से पारित कर दिया गया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दानवे का निलंबन एक तरफा फैसला और साजिश, उद्धव। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे को निलंबित करने का फैसला एक तरफा और पूर्व नियोजित साजिश है। पत्रकारों से बात करते हुए ठाकरे ने कहा कि निलंबन से पहले दानवे को अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया। ठाकरे ने कहा कि दानवे की टिप्पणी से यदि महिलाओं को ठेस पहुंची है तो वे उसके लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने पूछा कि सदन के बाहर ऐसी टिप्पणी करने वाले भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा, प्रस्ताव पर चर्चा की जरूरत थी लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। निलंबन विधान परिषद चुनावों में उनकी पार्टी की जीत के प्रभाव को फीका करने के लिए किया गया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आप जो भी कर रहे हैं वह लोकतंत्र और हम जो भी कर रहे हैं वह अपराध है। उन्होंने कहा कि निलंबन ऐसे समय किया गया जब विपक्ष ने राज्य के बजट का विश्लेषण करना शुरू किया। महाराष्ट्र विधान परिषद ने मंगलवार को सदन अपमानजनक भाषा में इस्तेमाल करने को लेकर दानवे को 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेकअप, रेसिंग लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।